नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमें वापस एक बार ग्लोबल मार्केट्स की तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट्स के सेंटिमेंट कैसे स्पैन आउट हो रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स को काफ़ी क्लोजली देखें तो हमें यहाँ पर आज के दिन में ऑयल प्राइजेस में एक बड़ा जंप आते हुए देखा है, और ये इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हमास ने इसराइल के ऊपर जो अटैक किया है उसके बाद ऑयल प्राइजेस और पूरे ऑयल मार्केट्स में एक हड़बड़ी मची है। अगर ये वॉर अगर और कंटिन्यू हुआ तो फिर हमें लगता है कि ऑयल प्राइजेस में और भी इजाफा हमें देखने मिलेगा। यूएस के बॉन्ड डील में हमने अच्छी खासी वापस रिकवरी देखी, 4.80 के करीब आ चुका है जो 4.70 के करीब आया था, और डॉलर इंडेक्स में भी हमने कुछ बढ़ोतरी देखी। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स जहाँ पे कुछ गेन्स दिखा रहे थे वहाँ पे हमने कुछ अभी लॉसेस देखे हैं बिकॉज ऑफ दिस हमास अटैक। इसके अलावा अगर हम यूएस मार्केट्स के जो पेरोल्स की बात कर रहे थे शुक्रवार के दिन, वो नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रांग थे, रोबस्ट थे, बट वेज हाइक जो थी वहाँ पे कुछ हमने फ्लैटिशनेस देखा और इसी वजह से यूएस मार्केट्स में तेज़ी देखी थी। आज हमें देखना है कि मार्केट्स, हमारे मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट्स इस पर्टिकुलर इवेंट को कैसे लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी 20 से 25 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। अगर ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो हमें लगता है कि मार्केट ने 19,200 से लेकर 300 के सपोर्ट जोन को काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। पिछले तीन महीने से मार्केट ने 19,200 के लेवल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किया, और इस बार भी मार्केट ने एक बड़े पैनिक के बाद जो रिकवरी दिखाई है वो काफ़ी रिमार्केबल है। हमें लगता है कि 19,457 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। इन लेवल्स के नीचे मार्केट में और भी हमें करेक्शन देखने मिलेगा और ये एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहेगा इन दी वेरी शॉर्ट टर्म। बिलो 19,457 अगेन 19,330 19,200 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हायर लेवल्स पे 19,770 के इम्पॉर्टेंट लेवल्स रेजिस्टेंस बने हुए हैं, जहाँ पे 20 दिन के एवरेज का भी रेजिस्टेंस मार्केट के लिए है, और इन लेवल्स के ऊपर हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करेंगे जो निफ्टी को लगभग 20,000 तक लेके जा सकता है। अबाउट 20,250 के ऊपर ही निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी हमें देखने मिलेगी। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट 19,770 और 19,450 के रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। हमारी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट हमें ये लग रहा है कि कुछ बाय की तरफ मुड़ सकता है अगर मार्केट में करेक्शन अगर आता है तो। 19,550 से लेकर 500 के रेंज में लॉन्ग की पोजीशंस बनाए 19,400 के स्टॉप लॉस के साथ, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में 44,000 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी अगेन 43,800-600 के लेवल्स दिखा सकता है। हायर लेवल्स पे 44,800 के रेजिस्टेंस लेवल बने हैं, उन्हीं लेवल्स के ऊपर हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज हमें लगता है कि यहाँ पे भी हमें रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ सेशन देखने मिलेगा। बट निफ्टी आईटी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, 32,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर 33,400 तक के लेवल्स ये बना सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 31,300 के लेवल्स को अगर ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे हमें एक शार्प वीकनेस देखने मिल सकता है। इस हफ्ते आईटी स्टॉक्स जो दिग्गज आईटी कंपनीज है वो अपने नंबर्स को, क्वार्टरली नंबर्स को घोषित करेगा, और इसी वजह से ये हफ्ता निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ, और आपके लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।